अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर को एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो देखकर काफ़ी दोस्त मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी सवालात करते हैं और कुछ लोग मेरे पास काम करवाने के लिए आ भी रहे हैं और आना भी चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से शहरों से लोग मुझसे रब्ता करते हैं अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए। तो उन दोस्तों के लिए मेरा ये पैगाम है, उन दोस्तों के लिए ये खुशी ऑफर है कि जो बंदा हमारे पास दूर दराज से काम करवाने के लिए आएगा उसको हम रिहाइश और खाने पीने की तमाम जो है फैसिलिटीज़ मुहैया करेंगे। ये हमारे पास मैकेनिक हैं, मोहम्मद अली नाम है इनका, ये गाड़ी का काम करते हैं मुकम्मल, जो है हर किस्म का जो भी किसी बंदे का काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, मैकेनिकल हो, सस्पेंशन का हो, क्योंकि एक दो वीडियो मैंने अपनी डाली हुई है जो हमने गाड़ी को कार्बोरेटर वाली गाड़ी को कंप्यूटराइज किया है, EFI किया है, उसकी वजह से भी काफ़ी बंदे जो है मेरे से रब्ता करते हैं, उनके लिए भी पैगाम है। अभी पिछले दिनों में एक भाई ने जो है फैसलाबाद से मुझसे रब्ता किया था, उनको भी मैंने ये ऑफर किया है कि वो आएँ और हमारे पास आके एक दो दिन वो स्टे कर सकते हैं। दूसरा, जब हम गाड़ी का जो इंजन करते हैं हम दो या तीन दिन उसके लिए, जो गाड़ी का प्रॉपर इंजन होता है वो करने के लिए दो या तीन दिन हमें दरकार होते हैं, क्योंकि हम गाड़ी का मुकम्मल जो है ओवरहॉल इंजन करते हैं तो उसकी मुकम्मल सफाई करते हैं। दूसरे मैकेनिक जो है वो हम भी, अगर कोई बंदा बोले कि मुझे एक दिन में चाहिए तो वो हम भी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि मुकम्मल काम इस तरह से होता है कि गाड़ी के इंजन की सफाई भी जो है मुकम्मल की जाए तो उसको भी एक दो दिन लग सकते हैं। जो भाई इंजन ओवरहॉल करवाने के लिए आए वो भी हमारे पास आके स्टे कर सकता है। शुक्रिया। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम टोयोटा करोला 2008 मॉडल का इंजन जो है वो ओवरहॉल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस गाड़ी का इंजन हमने निकाला था, जो गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया था, उसका हेड का वाल जो टूट गया था, उसी गाड़ी का इंजन जो है हम आज असेंबल कर रहे हैं। तो इसकी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी हाँ, ये वो इंजन है जो हमने कल निकाला है। आप देख सकते हैं कि कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है इस इंजन में, क्योंकि कल जब हमने इंजन निकाला था तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंजन जो है वह सारा अंदर से और बाहर से गंदा था, इसमें कार्बन बना हुआ था, इसके जो है वो हेड के वाल टूटे हुए थे। तो आज इस इंजन की सारी जो है वो वॉशिंग की गई है और अभी इसको हम असेंबल कर रहे हैं। इसके सारे पार्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ उनको किस तरीके से साफ़ किया गया है और ये सारा जोड़ने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इसके सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। अभी मैं इसकी जो कल वाली वीडियो थी गंदे इंजन की वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वो सारे पार्ट्स हैं जो कल हमने इंजन निकाला था तो उस वक्त इनकी क्या कंडीशन थी, और आज ये जो हमने वॉश करने के बाद इनकी जो कंडीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं आप इसको किस तरह जो है साफ़ किया गया है, इसके अंदर से सारा कार्बन जो है निकाला गया है। ये वो जगह है जहाँ पे कल मैंने आपको दिखाई थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कल इनकी क्या कंडीशन थी। ये देखें अभी बिल्कुल जो है साफ़ हो चुके हैं, ठीक है। अभी इनको जोड़ने से पहले एक दफ़ा फिर पेट्रोल के साथ धोएंगे। ये सारा प्रोसेस जो है इंजन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि इंजन जो है वो लॉन्ग टर्म तक चले, ज़्यादा अरसे तक चले। अगर हम उसी इंजन को दोबारा जो है वो जोड़ देते हैं गंदे इंजन को तो वो इंजन थोड़ी देर तक चलेगा, अगर इसकी सही तरह सफाई करके इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके हम जोड़ते हैं
तो ये इंजन ज़्यादा अरसे तक चलेगा। ये अभी सैम्बलिंग हो रही है, इसकी क्रैंक लगाने के बाद इसकी चैम्बर लगाई जा रही है। ये अभी इसका हेड जोड़ा जा रहा है। ये इसके वाल की जो सीले हैं, ये चीज़ है वाल की सीले, और ये इनको लगाने का तरीका। वालों की सीलें लगाने के बाद अभी इसके जो हेड के वाल हैं वो बिठाए जा रहे हैं। उनको लगाने का तरीका कार ये है। वालों के ऊपर नंबरिंग की गई होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये नंबर लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, ये 6 निशान, यानी कि ये 6 नंबर पर लगेगा। इसी तरह हर वाल के ऊपर जो है वो निशान लगाए जाते हैं, नंबरिंग की जाती है उसकी। ये जिस हिसाब से एडजस्ट किए होते हैं हरादिए ने, उसी हिसाब से इनको लगाना होता है। इसका हेड भी जो है वो मुकम्मल असेंबल हो चुका है, और ये ब्लॉक जो है वो भी मुकम्मल असेंबल हो चुका है। अभी इसके हेड और ब्लॉक को जोड़ने का टाइम आ गया है। इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ आती है उसको कहते हैं गैस्केट, हेड गैस्केट जिसको बोलते हैं। तो अभी इसके ऊपर वो हेड गैस्केट रखा जाएगा, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर हेड को जो है वो रख के इसको टाइट किया जाएगा। ये चीज़ है इसका जो है ना, इसको बोलते हैं हेड गैस्केट। ये 2 तरह के आते हैं, ये जेन्युइन होता है, दूसरा जो है वो एक इसमें कार्बन शीट वाला आता है, एक वो चीज़ होती है। ये भी इसके ऊपर हेड गैस्केट रख के उसके ऊपर हेड रख दिया गया है। इस्ताद है जनाब।